4 जून वो तारीख जिसका इंतजार पूरे देश को है, उन लोगों को भी है जिन्होंने चुनाव के दौरान मेहनत की, उन लोगों को भी है जिन्होंने चुनाव के दौरान वोट डाला, और उन प्रत्याशियों को भी है जो चुनाव की इस लड़ाई में, चुनाव के मैदान में थे, बड़े बड़े नेताओं को भी है। और सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया में सभी देशों की नज़रें किसी देश में चुनाव होता है या वहाँ पर चेंजेस होते हैं या नहीं होते हैं तो उस पर नज़र रहती है। 4 जून को एनडीए की जीत तय है, ये लगातार बीजेपी के नेता कह रहे हैं, और अमित शाह ने एक बार फिर से निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा, राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी हार के लिए ईवीएम को जिम्मेदार बताएंगे, हार का ठीकरा खड़गे पर फोड़ेंगे। मोदी जी की, भाजपा की, एनडीए की विजय निश्चित है और 4 तारीख को दोपहर को आप देख लेना, ये राहुल बाबा के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ईवीएम के कारण हम हारे। और खड़गे साहब आप भी समझ लेना, ये भाई बहन पर ठीकरा नहीं फूटने वाला है, ये भाई बहन पर ठीकरा नहीं फूटेगा, हार का ठीकरा खड़गे साहब पर फूटेगा और उनकी नौकरी जाने वाली। मोदी जी की, भाजपा की, एनडीए की विजय निश्चित है और 4 तारीख को दोपहर को आप देख लेना, ये राहुल बाबा के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ईवीएम के कारण हम हारे। और खड़गे साहब आप भी समझ लेना, ये भाई बहन पर ठीकरा नहीं फूटने वाला है, ये भाई बहन पर ठीकरा नहीं फूटेगा, हार का ठीकरा खड़गे साहब पर फूटेगा और उनकी नौकरी जाने वाली।